महादेव दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा ही कम आया है, यानी जिन बच्चों ने सीयूटी का पेपर दिया था उनका नंबर कम आया है, वो लोग अब क्या करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया मैंने नंबर पर रॉ स्कोर मेरा बहुत अच्छा आया था, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर जो है बहुत ही कम हो गया क्योंकि एनटीए ने मेरा स्कोर कम कर दिया। तो देखिए, आप सभी लोग को यही सब सारी चीज़ें लोग आज जो है मैं बात करने वाला हूँ, और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपका नंबर स्कोर कम आया है, अगर आपका DU में, JNU में, BHU में या AU में एडमिशन नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, आप सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि जिन भी बच्चों का नंबर कम आया है वो क्या करें। तो आप सभी लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको भी पता है कि BHU में बहुत ही लिमिटेड सीट है, DU में लिमिटेड सीट है, AU में लिमिटेड सीट है, ठीक है। 14-14 लाख फॉर्म भराता है तो कहाँ से सब पर एडमिशन तो ना हो पाई BHU में, DU, JNU में, उन्हीं बच्चों को होगा जितनी सीटें होंगी, ठीक है। तो अगर सपोज करिए आपका नंबर कम आया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऐसी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे ऐसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं, एक मैंने पेपर में पढ़ा था 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन हो रहा है, यानी कि अगर सीयूटी में भाग नहीं भी लिए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉलेज में ऐसा हो रहा है। आप लोग को थोड़ा इस समय एक्टिव होना चाहिए, गूगल वगैरह पर जाकर सर्च करो कि विच यूनिवर्सिटी टेक एडमिशन विदाउट CVT, कुछ इस तरह का अंग्रेजी में सर्च करके, मेरा अंग्रेजी थोड़ा ख़राब है, आप लोग पेज करा के तो ऐसे जाके आप लोग सर्च करिए, देखिए लिस्ट आ जाती है, उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपको सच बताऊं तो BHU हो चाहे DU हो चाहे AU हो, इनका एक तो आपका नाम बना रहता है कि ब्रांड है कि यहाँ पढ़ना बहुत बड़ा भौकाल होता है, पर ऐसा वो चीज़ें नहीं है। ग्राउंड लेवल की मैं चीज़ें दिखाता हूँ, ग्राउंड लेवल में आप देखिएगा, जाइएगा, जो मैं बच्चों से रिव्यू लिया हूँ वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। हाँ, बस कहने के लिए ये हो जाता है कि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन सब सारा चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि उनका जो है रॉ स्कोर तो ज़्यादा आया था, 600 नंबर आया था, पर नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो कम कर दिया गया NTA के द्वारा। तो देखिए, ये आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की गई थी, ये सभी सारे बच्चों के साथ हुआ है। क्योंकि कारण क्या होता है कि मान लीजिए आपका पेपर 2 दिन पहले था, हमारे दोस्त का, मान लीजिए हमारा पेपर 2 दिन पहले था, हमारा दोस्त का पेपर 2 दिन बाद था, तब क्या हमारा जो पेपर था, हमारा पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, उसका जो है बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, ठीक है। तब उसका ईजी भी आया, उसका बाद में हुआ, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए होता है कि मान लीजिए हमारा बहुत टफ आया, हमारा 200 में से सब बच्चे खाली 150 में जो है ला पाए, 150 नंबर ही ला पाए, और उसका 200 में 200 सारा लेके आ गए, तो भैया उसके तो बाद में हुआ, उसका पेपर भी ईजी हुआ तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है, हमको कम मिलता है ना, तो इससे क्या होता है, एक भेदभाव हो जाता है। तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए NTA जो नॉर्मलाइज स्कोर कर देता है, और वो हकीकत बात है, वो करना कोई बुरी नहीं बात नहीं है, वो सही भी है एक जगह, ताकि सबको एक बैलेंस लेवल पे लाया जाए, ठीक है। यही सब सारा चीज़ है, और बाकी आप कुछ कर तो नहीं सकते कि आप लोग परेशान होते हो कि मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कम हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे एडमिशन होगा, वैसा कोई इशू नहीं है। जितना स्कोर आया है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, चाहे BHU को टारगेट करिए, AU को टारगेट करिए, या फिर DU को टारगेट करिए, ठीक है। और बाकी जो भी एडमिशन से प्रक्रिया से संबंधित जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं आपको सारा दे ही रहा हूँ, बस अपडेट रहिए, और थोड़ा सा कान नाक आँख सब खुला रखिए, और गूगल वगैरह पे भी जाकर थोड़ा सा चेक करते रहिए कि किस किस यूनिवर्सिटी में मालिक एडमिशन होता हो, ठीक है। तो ये लगा आप लोग चेक नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं खाली कि कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो हम देख ले तो भर दे, नहीं, आपको भी थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो अपडेट तो देते हैं पर सारी यूनिवर्सिटी का अपडेट नहीं देते हैं। हकीकत बताऊं तो हम लोग उन्हीं यूनिवर्सिटी का अपडेट देते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, जैसे कि ये मेरी बात नहीं, कोई भी आप देखिएगा, चाहे BHU में अगर ज़्यादा डिमांडेड बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे देखना चाहते हैं तो हम BHU का देंगे, AU का देखना चाहते हैं AU का देंगे, DU का देंगे, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी और भी हैं, 60-70 यूनिवर्सिटी हैं जिनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनका अपडेट जल्दी कोई नहीं देता है क्योंकि उसके बच्चे बहुत ही कम रहते हैं। तो आप सभी को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, गूगल वगैरह पर जाके थोड़ा चेक किया करिए, और जो बच्चे बहुत सारा यूनिवर्सिटी अपने में भरे होंगे तो उनके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि वो लोग को जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही कहना चाहते थे, बाकी परेशान मत होइए, सारा आपको अपडेट मिलते रहेगा, जो भी प्रक्रिया होगी वो मैं आपको सारा बताते रहूँगा। बस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, हर महादेव।